दोस्तों आप लोगों में से अक्सर लोगों को फोटोग्राफी का बहुत शौक होगा। जब हम कोई पिक्चर खींचते हैं तो उसमें कुछ एरियाज ब्लर्ड होते हैं और कुछ एरियाज शार्पन होते हैं। दोस्तों इस लेसन के अंदर हम फोटोशॉप के जिस टूल को स्टडी करने लगे हैं वो है ब्लर एंड शार्पन टूल। दोस्तों जब भी आप कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं तो आम तौर पे उसमें 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं, फोरग्राउंड, ग्राउंड एंड बैकग्राउंड। आम तौर पे बैकग्राउंड ब्लर होता है। दोस्तों फोटोशॉप में आप किसी भी एरिया को ब्लर या शार्पन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने एक इमेज मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस इमेज के अंदर 2 माउंटेनियर्स और हाइकर्स मौजूद हैं और इनके पीछे बैकग्राउंड में माउंटेन्स का एक सिलसिला देखा जा सकता है। दोस्तों ये जो इतना ह्यूज बैकग्राउंड है इसको हम बड़े आराम से ब्लर कर सकते हैं अडोबी फोटोशॉप में, और ये जो कैरेक्टर्स हमारे इस पिक्चर में विजिबल हैं इनको हम बहुत आसानी से शार्प कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं ब्लर, शार्पन एंड स्मज टूल। दोस्तों ये इमेज मैंने माउंटेनियर्स का आपके सामने जो है फोटोशॉप में ओपन कर लिया ड्रैग करके। अच्छा टूल बार में अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये आप देख सकते हैं कि तीनों टूल्स जिनकी अभी मैं बात कर रहा था यानी कि ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल, ये इकट्ठे एक ही विंडो में हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ पे एक ही बटन में मौजूद हैं। अच्छा सबसे पहले हम ब्लर टूल को सिलेक्ट करते हैं। वन बाय वन हम इन तीनों टूल्स को जो है वो स्टडी करेंगे। ये जो टूल्स हैं दोस्तों इनकी शॉर्ट की आपको यहाँ पे कोई लिखी हुई नज़र नहीं आ रही। दोस्तों ये जो ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल है इनको सिलेक्ट करने के लिए आपको फोटोशॉप में टूल बार पर ही जाना पड़ता है और इनकी कोई शॉर्ट की आपको नहीं मिलेगी। अच्छा ब्लर टूल जो है ये दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लर टूल में हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें सैम्पल ऑल लेयर्स की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, यानी कि हम न्यू लेयर लेके ब्लैंक लेयर के ऊपर ब्लर जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेंथ की ऑप्शन देखी जा सकती है, यानी कि दोस्तों ये जो स्ट्रेंथ की ऑप्शन है ये बेसिकली ये बताती है हमें कि हम कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ का ब्लर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी एरिया में अपनी पिक्चर के ऊपर। वैसे तो हम फोटोशॉप में बहुत से तरीक़ों से किसी भी इमेज को ब्लर कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लर टूल हम अभी स्टडी कर रहे हैं इसकी मदद से दोस्तों हम ब्रश को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ख़ास एरिया को अपनी मर्ज़ी से ब्लर कर सकते हैं। तो चलें अब हम न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पे हम सैम्पल ऑल लेयर्स को चेक रखेंगे। अब मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ से ये जो बैकग्राउंड वाला एरिया है दोस्तों इसको थोड़ा सा मज़ीद, वैसे तो ये पहले भी कुछ हमें ब्लर नज़र आ रहा है लेकिन इसको मज़ीद कुछ हम ब्लर करने की कोशिश करते हैं। और ये जो एरिया हम इसको देखते हैं कि ये हम इसे किस तरह से पीछे ट्रीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा न्यू लेयर का आइकॉन है इसके ऊपर आपको वर्किंग होती हुई जो है वो नज़र आ रही है। जो ब्लर मैं जहाँ जहाँ पे यहाँ पे ब्रश जो है ये अप्लाई कर रहा हूँ ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको वो जो वर्किंग है वो यहाँ पे आपको लेयर के आइकॉन के अंदर बहुत इजीली विजिबल है। तो दोस्तों ये जो पीछे क्लाउड्स हैं, बादल हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा ब्लर करता हूँ। अच्छा यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा पाया जाता है फोटोग्राफी के अंदर कि जो बैकग्राउंड्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो यानी कि जो फोरग्राउंड में अगर कोई पीछे कोई दूर चीज़ मौजूद है, जैसे हमारे ये इमेज के अंदर माउंटेन्स वगैरह और क्लाउड्स पीछे नज़र आ रहे हैं, उन चीज़ों को जान के ब्लर कर दिया जाता है ताकि जो मैंने अभी आपको जिक्र किया फोरग्राउंड, ग्राउंड और बैकग्राउंड का, वो जो 3 स्टेप्स हैं वो इस इमेज के अंदर क्रिएट हो सकें, वो 3 ग्राउंड्स हैं वो विजिबल हो सकें। इस तरह से दोस्तों हमारा जो इमेज है वो देखने में और ज़्यादा प्लीजिंग हो जाता है और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये माउंटेन वाला जो एरिया है इसको मैं ब्लर करता जा रहा हूँ और क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ 53 रखी हुई है इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँ, यानी अगर इसको मैं चलें 100 ही कर देता हूँ तो ये आप देखें कि आपको एकदम यहाँ पर ये देखें, अब आपको एकदम यहाँ पर विजिबल होगा कि ये जो बैकग्राउंड है ये एकदम से आपको यहाँ पे ब्लर होता हुआ फील होगा। आप 100 स्ट्रेंथ नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप अपने किसी भी इमेज जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं उसके मेरिट के अकॉर्डिंगली उस इमेज को देखते हुए जितनी ब्लर करने की ज़रूरत है आप उसको ब्लर कर सकते हैं। इवन कि ये जो हमारा अब ये अगर चलें, मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि इस लेयर को ऑफ़ करता हूँ और ये देखें बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं, विजिबल हो रहा है कि जो बैकग्राउंड है और जो स्काई है, माउंटेन्स और स्काई, आपको फील होगा कि यहाँ पे ये काफ़ी हद तक ब्लर हो गए हैं। अच्छा, इवन कि अगर अब हम देखें ये हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, कि ये हमारे पास मेन कैरेक्टर है और ये थोड़ा सा कदरे पीछे है। ये जो पीछे वाला कैरेक्टर अगर इसको भी मैं ब्लर करना चाहूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा ब्लर कर सकता हूँ ताकि मज़ीद डेप्थ क्रिएट हो सके मेरे इमेज के अंदर। ये मैं तकरीबन को 30, 35, बल्कि चलें ऐसा करते हैं जी, इसको तकरीबन 25 रखते हैं क्योंकि इसको हम ज़्यादा ब्लर नहीं करना चाहते। जितना हमने ये जो माउंटेन्स को ब्लर किया उतना नहीं हम इस कैरेक्टर को ब्लर करना चाहते, सिर्फ इतना ब्लर करना चाह रहे हैं कि जो हमारा फोरग्राउंड पे जो मेन कैरेक्टर है उसके निस्बत थोड़ा सा ये हमें दिखने में पीछे की तरफ दिखाई दे, थोड़ा सा डेप्थ जो है वो आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कैरेक्टर है ये भी आप पहले के निस्बत थोड़ा सा ब्लर हो गया, और ये ब्लर मैंने इसको इसीलिए किया ताकि हमारे इमेज के अंदर मज़ीद खूबसूरती आ जाए और मज़ीद डेप्थ क्रिएट हो सके। अच्छा जी, ये तो दोस्तों हो गया ब्लर टूल। अब यहीं से मैं एक मज़ीद न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पे चेक रखता हूँ सैम्पल ऑल लेयर्स। बाकी तमाम यहाँ के जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसी तरह से हैं जिस तरह से शार्पन की हैं, उसी तरह से ब्लर की हैं और उसी तरह से शार्पन की हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं, सैम्पल ऑल लेयर्स की आपके पास ऑप्शन है। अब मैं ये जो हमारे पास फोरग्राउंड पे जो हमारा कैरेक्टर है इसको जनाब अली में थोड़ा सा मज़ीद शार्प करने की कोशिश करता हूँ। हम ब्रैकेट की मदद से अपने ब्रश को जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। अच्छा, स्ट्रेंथ में, अच्छा यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूँ कि ये जो शार्पन है ये अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ रख के करेंगे तो ये एकदम ज़्यादा फील होगा। तो लिहाजा हमने कोशिश ये करनी है कि हम स्ट्रेंथ को जो है बड़े तरीके से मैनेज करें और कम स्ट्रेंथ के साथ हम अगर ब्रश को अप्लाई करें तो ये जो हमारा शार्पन है ये बेहतर रिजल्ट हमें दे सकता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा शार्प भी हो सकती है जो चीज़ हम शार्प कर रहे हैं। तो ये देखें, ये इसकी कैप, इसका फेस, जो हमारा कैरेक्टर है इसको हम मज़ीद जो है वो यहाँ पे शार्प कर रहे हैं। अगर मैं इसको जूम इन करके देखूँ तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये तो दूसरे टूल्स की मदद से हल किए जा सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखें कि ये अगर मैं यहाँ पे शार्पन करता हूँ इसकी बियर्ड के ऊपर तो ये इसकी बियर्ड बहुत आसानी से देखी जा सकती है। ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, इसी तरह से अब आप इस पूरे कैरेक्टर को जो है वो शार्पन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको लेयर को ऑफ़ करूँ और इस लेयर को भी ऑफ़ करूँ तो अब ये देखें, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने शार्पनेस ऐड की है इस कैरेक्टर के अंदर और ये मैंने ब्लर ऐड किया है जी इस कैरेक्टर के अंदर। तो ये दोस्तों आपने देखा कि हम कितनी आसानी से ब्लरनेस और शार्पनेस अपने इमेज के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और छोटा सा टूल यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ जिसके लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लूँगा। ये टूल भी हमारे पास ब्लर और शार्पन के अंदर ही अवेलेबल है, इसका नाम है स्मज। दोस्तों स्मज टूल समझाने के लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ब्रश टूल में आता हूँ। यहाँ पे ये एक मैंने रेड कलर्स की एक ब्रश लगाया। इसी तरह से अब मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लू पे आता हूँ और ये मैं एक और ब्रश जो है वो अप्लाई करता हूँ। दो मैंने एक स्ट्रोक्स अप्लाई किए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये जो इन दोनों स्ट्रोक्स के बीच का जो एरिया है ये कितनी एक थिक सी लाइन आ रही है, बिल्कुल फ्लैट सी। दोस्तों इस लाइन को हम आपस में मिक्स कर सकते हैं स्मज टूल की मदद से। ये देखें, मैं इसको जूम करता हूँ, स्मज टूल पे आता हूँ और यहाँ से हमारे पास स्ट्रेंथ की ऑप्शन है और न्यू लेयर ऐड करके सैम्पल ऑल लेयर्स करके ये देखें, मैं यहाँ से इसको जैसे जैसे मैं यहाँ पे ब्रश की मदद से स्मज टूल को फेरता जाऊँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इन दोनों के जो बीच का एरिया है जहाँ पे एक्चुअली ये दोनों स्ट्रोक्स मेरे ब्लू और रेड कलर के आपस में मिक्स हो रहे हैं, वो एरिया पहले बड़ा फ्लैट सा था जबकि अब ये काफ़ी हद तक ब्लेंड हो गया। अगर मैं अब इस लेयर को आपको ऑफ करके दिखाऊं तो ये देखें, ये पहले कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था, अब ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये स्मज टूल की मदद से भी आप बहुत सारे एरियाज़ को, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो स्मूथ बना सकते हैं। ख़ासतौर पर जब आप किसी इमेज को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, उन पे भी हम स्मज टूल का इस्तेमाल करके उन कॉर्नर्स को भी बहुत स्मूथ जो है वो बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो दोस्तों ये स्मज के बारे में भी मैंने अभी आपको बता दिया और आई होप कि आपको स्मज टूल की भी समझ आ गई होगी। दोस्तों आपने इस लेसन में लर्न किया कि आप ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल की मदद से किस तरह से इमेजेस के अंदर डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपने इमेजेस को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दोस्तों फ़ोटो एडिटिंग के अंदर ये जो ब्लर टूल और शार्पन टूल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से स्मज टूल अभी हमने इस लेसन में सीखा है। आप अगर कोई भी चीज़ पेंट कर रहे हैं तो आप ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं, ब्रश स्ट्रोक्स लगाते हैं, तो अपने स्ट्रोक्स को ब्लेंड करने के लिए, आपस में मिक्स और मर्ज करने के लिए आप ये जो हमारा स्मज टूल है इसका बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों टूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप लोगों ने इन टूल्स की प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे किसी और नई फ़ोटोशॉप के मज़ेदार से टूल के साथ।